इश्यूज सॉर्टेड। जस्ट आ चुकी है हमारे पास और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम सबको, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। तो हम बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके साथ और उर्वशी के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया है, तो थोड़े दिनों बाद हमारा सबका साथ में शूट शुरू होगा बहुत जल्द। तो वो जो यंगर गहना और गौरव हैं, उनका भी बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसिस होने वाला है स्टोरी में, या वो सिर्फ शुरुआत में है और फिर बड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब है और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था, तो हमारी हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी। सॉरी, फिर क्लाइमैक्स कैसे पहुंचे? एडिक्टेड टू गौना ना, अभी बोल आ जाता है। तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे, हर एक चीज पे वो याद आती रहती है, तो दैट इज हाउ द बचपना इज शोन। और कुछ हम पूछना चाहेंगे अगर इनसे? क्या मतलब, मैं सबसे ज्यादा गौरव से ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, प्यार भी है बचपन से गहना के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते कि कैरेक्टर आउट एंड आउट वाइट है, या उसमें ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे आगे जाके? देखिए, आउट एंड आउट वाइट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है और कोई भी ब्लैक नहीं होता है, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन जिंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और इम्पॉर्टेंस हर चीज़ की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज़ ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके सपने, उसको जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेज नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पर पहुँचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसने गैना को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है और गैना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर गैना के साथ रहने लग जाए, तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियाँ हैं जो रास्ते में आ रही हैं। एनीवन फॉर एनी क्वेश्चंस? किसी को अपने बचपन का प्यार याद आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? बाइट्स तो होती रहेंगी, सेपरेट करने वाले होंगे, बाइट्स तो होंगी, सेपरेट भी मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसी के साथ आई थिंक वी कैन हेड फॉर बाइट्स, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गौना एक प्रथा, सोमवार से शनिवार 9:30 बजे शिमारू उमंग पर हम सब बहुत लाइव से 10 जुलाई से अगले मंडे से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एग्जैक्टली 4 दिन बाकी है एंड एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है। सो इसी के साथ वी गिव टू यू द प्रिंसिपल कास्ट फॉर द बाइट्स, और उसके बाद सम यमी बाइट्स विद द थीम ऑफ बिहार, प्लीज एंजॉय दैट एंड जॉइन अस फॉर लंच एज वेल। जब हम बाइट्स करने वाले हैं, हाँ, आपको बिहार चखने का मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि सबको पहले यमी बाइट्स का इंतजार है। नहीं नहीं, ये तीनों ज्यादा यमी बाइट्स होने वाली है, सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड टाइटल जैसे गौना है वो एक ट्रेडिशनल प्रथा है जो कि आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस की जाती है, तो वो प्रथा ऐसी है क्योंकि जहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद में लड़की की विदाई होती है बेसिकली, तो उसके बारे में शो है जहाँ पर गौरव और गैना का बचपन में शादी हो जाती है और उसके बाद जब गौना का टाइम आता है वो वहाँ से हमारी शो की स्टोरी स्टार्ट होती है, सो वही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैम, आपको लेकिन मेन ज़्यादा फोकस है इस शो में, तो क्या होने वाला है? आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है, इस तरह का कैरेक्टर थोड़ा बना बताइए। जी बिल्कुल, गैना एक किशनगंज की एक छोटे से गांव की लड़की है, जहां उसके ख्वाब इतने बड़े नहीं है, पर उसका जो दायरा और जो उसके इर्द गिर्द बचपन से उसने देखा है उसको वही चाहिए और वही उसका सपना है। उसने जिसे शादी की थी बचपन में, उसका बेस्ट फ्रेंड भी गौरव था और शादी भी उसी से घर वालों ने करवा दी, तो अब उसको बस यही है कि जो भी 4-5 साल का टाइम पीरियड है वो रुकी हुई है कि भाई जल्दी से गौरव आएगा, मेरा गौना करवाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ और मैं एक नई दुनिया देखूंगी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि उसके लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ गौरव है, तो उसकी ज़िंदगी ना गौरव पे ही शुरू और गौरव पे ही ख़त्म होती है।
इसके अलावा गैना के बारे में अगर ख्वाब को लेकर पूछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बड़ी सी सुलझी हुई और एकदम सेल्फलेस गर्ल है वो। और जैसा आपने पूछा था अभी कि गौना, ये बड़ा यूनिक नेम है हमारे शो का, तो हमारे शो में जैसे मेरा नाम गहना है, इनका गौरव है, तो हम दोनों का नाम जोड़ के गौना बना है। तो उस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं ये गौना हमारा जो शो में है ये है, तो गौरव का गौ और गहना का नाम, दैट्स हाउ द शो नेम इज गौना। मैम कहीं ना कहीं आप काफी परेशान करने वाली है। नहीं, आपने अज्यूम कर लिया है ना कि मैं परेशान करने वाली हूं। क्यों, मेरा मेकअप ऐसा है? नहीं नहीं, मेकअप नहीं, मैंने मतलब अच्छा, हाँ नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी एक अच्छा किरदार है अलग, मैं परेशानी नहीं लाऊंगी इनकी जिंदगी में। अगर मेरी वजह से आ गई तो बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। सॉरी, गौरव और गहना के बीच में उर्वशी है, तो जैसे आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि गौना, गौरव और गहना, तो जी ए एन ए के बीच में यू है, उर्वशी। तो ये हम दोनों के बीच में, और सोचिए दोनों के बीच में मैं क्या कर रही हूं। और जैसे हम दो फीमेल किरदार के साथ एक मेल है, तो सबको ऐसे ही लगता है कि लव ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है, बट ये शायद हमारा इंडियन टेलीविजन का एक माइंडसेट, शायद ये माइंडसेट है कि यही है, बट ये मैं मिसकंसेप्शन आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस शो में हम तीनों का ऐसा कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनकेस आगे जाके होगा तो वी नेवर नो, मे बी दैट इज अ सिचुएशनल थिंग, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये इससे करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम ऑल्सो बिल्कुल करते हैं। लेकिन मेरा प्यार है सिर्फ गौरव, गौरव का प्यार है उनकी महत्वाकांक्षाएं एंड उनकी कहीं और, जैसे उन्होंने कहा पटना को पेरिस बना देना और खुद को एक ऊंचाइयों पे ले जाना। तो हर किसी की, तीनों की लाइफ में एक एक एम्बिशंस है, वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये ऐसा कोई घिसा पिटा वो चीज़ें नहीं है यार, लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। हाँ यार, है लेकिन ट्रायंगल नहीं। हाँ, लव है बिल्कुल, ट्रायंगल नहीं। आप पटना को पेरिस बनाएंगे तो किस तरह से आप बनाने वाली पटना को पेरिस, क्या करने वाली? अरे ये भेदभाव का चश्मा लगा कर देखती है, तो भेदभाव का चश्मा लगा कर देखेंगे तो पटना कब पेरिस ना बनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बनाना चाहती हूँ। मैं आप पूछ रहे की कैसे बनाऊंगी, देखिए मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ शो में, और एक फैशनिस्टा बनना चाहती हूँ, एक लेवल पे पहुँचूँगी तो मेरे कपड़े बनेंगे, मेरे मॉडल्स होंगे, मेरे रैम शोज होंगे, सुपर मॉडल्स बनेंगे। वैसे ही तो बनना है, पटना बनेगा पेरिस है ना, उसके लिए पहले ये लोग टाइम पे तो आ जाए मॉडल, पटना ये मॉडल बनना चाहते हैं, तो इनको, इन्हीं की वजह से तो मैं ट्राई करूँगी। जी बिल्कुल, जैसे जब हमें पता चला था, हम इसके लिए ऑडिशन कर रहे थे, जब हमें लॉक किया गया तब तक शो का नाम डिसाइड नहीं हुआ था, हमें बाद में पता चला कि नाम गौना रखा गया है, और फिर हमारे किरदारों के नाम भी ऐसे ऐसे फिर हमें बताया गया था। तो ऑफकोर्स जब हमें बताया गया कि शो का नाम गौना है एंड देन एक प्रथा, तो हमें बैठ कर पूरा ब्रीफिंग दिया गया था, और बिल्कुल इस किरदार के लिए हमने मेहनत बिल्कुल बहुत की है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो नॉर्थ इंडिया का, बिहार का बताया गया है। अब मैं हूँ मुंबई की पली बड़ी लड़की जो वहाँ की एक्सेंट बोल रही है, अब सीखा है हमने हमारे दोस्तों से। तो हाँ, काफ़ी आप देखेंगे हमने वेट लॉस भी किया है, और टोनेशन और लैंग्वेज और डायलेक्ट भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताइए सी, जब स्टोरी जब नरेट हुई थी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता था कि शो का नाम गौना होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि शो का जो बेस है वो यहाँ से शुरू होता है शो, तो ये प्रथा और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमको पता ज़रूर था। और गौना ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में या अपने से बड़ों से कभी ना कभी ज़रूर सुनाई है, जहाँ पर इसको गौना नहीं बोलते वहाँ पर कुछ और चीज़ बोलते हैं, और पुराने ज़माने में तो ये बहुत अक्सर ऐसा होता था, ये हमारी ट्रेडिशन रही है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में मालूम था। लेकिन गौना के बाद भी ये शो की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी तो देखकर हमको लग रहा है कि सिर्फ गौना के ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो गौना का दिन से ये शो शुरू होता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको पूरे टाइम सिर्फ गौना के बारे में बताएंगे या सिर्फ गौना ही ये शो की स्टोरी है। शो की स्टोरी गौना से शुरू होती है और उसके बाद फिर उसकी एक अपनी जर्नी है, तो जहाँ पर ये स्टोरी मेरे बारे में पूछा कि गौना क्या, कैसे है,
जैसे हम जब सब ओपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था कि गहना ये प्रथा पुरानी है, गौना रिवाज पुराना है, पर हम तो आज के दौर में ही चल रहे हैं, आज के ज़माने में चल रहे हैं। बिल्कुल ये लड़की है ओल्ड स्कूल लवर, ओल्ड स्कूल सिस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करती है, लेकिन आज के ज़माने में वो उस चीज़ों को मोल्ड करके चलने वाली लड़की है। तो यही इसकी कहानी है, यही इसकी जर्नी है। यार आपने मुझे हमारी रियल लाइफ में ऐसी पता नहीं नो कमेंट्स वो मुझे आपके सवाल एक्चुअली समझ नहीं है आपका इंटेंशन में आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ये सब नहीं फॉलो करते हैं प्रथा आज आजकल की जनरेशन मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है और काफी लोग हैं जो आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप ये बोल यही आपका सवाल था कि ये कैसा लगता है उसका जो शादी हुई है उसका क्या जिनकी अच्छा जो जिनकी शादी हो चुकी है और आप जैसे लाइफ में कि उनके आ अच्छा उनके आ जाते हैं तो उनको कितना उन पे क्या असर पड़ता होगा पर ये हमारी लाइफ में आया नहीं है। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि जैसे गहना है उसकी शादी हो गई है बचपन में वो एक होप से एक उम्मीद से प्यार से वो वेट कर रही है किसी के लिए मगर जब ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिंदगी में तो वो बेसिकली शो उसी के ऊपर है ना कि वो कैसे उन पत्थरों के ऊपर से जा जा के अब वो एक पत्थर है या मल्टीपल वो नहीं पता। और दूसरी बात ये शो ऐसा है नहीं कि ये दूसरी लड़की है या इस तरह का शो में कॉन्सेप्ट है नहीं इनका अपना कैरेक्टर है और जाकर गौरव जब इनसे मिलता है इनका इनकी जो अपनी कैरेक्टर की अलग जर्नी है तो वो ऐसा नहीं है कि गौरव और गहना के बीच में आती है। अगर देखा जाए तो गौरव और गहना के बीच में गौरव की महत्वाकांक्षाएं आती है, गौरव के सपने आते हैं जो ये पूरा कर सकती हैं। तो इसीलिए कि वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे तो इनकी तरफ से उर्वशी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम गहना के साथ नहीं रह सकते हो। एक बिजनेस जो होता है शो बिजनेस जिस बिजनेस से ये बिलोंग करती हैं उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं जो कि उर्वशी बहुत ही प्रोफेशनल है और उस वो डिमांड्स सब बीच में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा करती हैं या जानबूझकर ये गौरव और गहना को अलग नहीं करना चाहती। इनफैक्ट इनके सामने तो ये बात आ ही नहीं पाती है कि ये दोनों इनफैक्ट ये उनकी दोस्त है वो उनको दोस्त मानते हैं और मुझे एक सीढ़ी बल्कि मैं अब छोटा सा इंटरव्यू बल्कि ये तो पास में लेकर आती है गौरव और गहना को ये लोग ये तो जोड़ती है अगर मैं आपको बोलूँ।